हेलो वेन वेलकम टू एपी प्लस अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज दिस इज अ वीडियो ऑन डेली टॉपिक वाइज न्यूज एनालिसिस वे द कवरेज ऑफ द न्यूज़ वुड बी फ्रॉम टू इंपॉर्टेंट न्यूज पेपर दट इज द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस तो दोनों न्यूज पेपर से जो इंपॉर्टेंट न्यूज है जो उसकी थीम है जो टॉपिक है उसको समझेंगे ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके परिल्स एग्जामिनेशन में सो लेट गेट विद द टॉपिक सो इज थर्टीन ऑफ जुलाई एंड दिस आर द टॉपिक दैट आल बी डिस्कसिंग विद यू द फर्स्ट टॉपिक इज डिजिटलाइजेशन ऑफ स्कीम एंड इट्स बेनिफिट्स

कई लोग न्यू हैं हमारे चैनल पर डू नॉट फॉरगेट सब्सक्राइब एप्टी प्लस अकेडमी फॉर सिविल सर्विस एंड यूट्यूब एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट अ लाइक बटन ऑन दिस वीडियो सो द फर्स्ट टॉपिक इज डिजिटलाइजेशन ऑफ स्कीम एंड इट्स बेनिफिट्स So, you can read this entire editorial in the basically Indian Express. And talking about the relevance of this kind of editorial, this is more relevant for a general studies paper. GSK paper 2 is very important and prelims related. Kuch -kuch bhi handle kar pahenge, right? So, this is more specific to the main paper. सो एज़ यू नो बिकॉज ऑफ द कोविड नाइन्टीन पैंडमिक इंडिया इज इन द मैराथन वन इट्स कम टू द पैंडमिक और इस क्राइसिस के टाइम में द एम्फेसिस इज देयर ऑन हू टू डिजर्व रदर हाउ टू मेक श्योर दैट द रोंग पीपल आर केप्ट आउट ऑफ द बेनिफिशरीज क्योंकि वो कह रहा है कि जो भी सरकार की जो स्कीम्स है चाहे वो पी डी एस हो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो उसमें कुछ लूप होल्स की वजह से जो एग्जैक्ट बेनिफिशरीज हैं उनको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है राइट सो डिजिटलाइजेशन इज अ वे आउट जहाँ पे द वेलफेयर स्कीम कैन भी मेक पॉसिबल राइट एंड इट कैन डिसकंटिन्यूड वन द पेंडेमिक एंड्स तो अकॉर्डिंगली हमें डील करने की ज़रूरत है अभी पैंडमिक के अकॉर्डिंग जहाँ भी लूपोल्स हैं जिस तरह से जो रियल टाइम बेनिफिट्स मिलने हैं लोगों को जो बेनिफिशरीज़ को उसके लिए अगर हमें और डिजिटलाइजेशन करने की ज़रूरत है या कम डिजिटलाइजेशन करने की ज़रूरत है तो उसके अकॉर्डिंग काम करने की जरूरत है सरकार को और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 94 परसेंट ऑफ ऐसे लोग हैं अभी जो कि एलिजिबल हुए हैं फैमिलीज जो हैं दे हैव गॉट एक्स्ट्रा पीडीएस गवर्नमेंट ने मे एंड से ही मोस्टली सभी लोगों को राशन फ्री किए थे कुछ अमाउंट रखी गई है फाइव के जी ऑफ राइस वन के जी ऑफ एक्स्ट्रा नो पल्सेज आर बीन प्रोवाइडेड एंड एटी परसेंट हैव रिसीव द कैश इन दैट इज एवरेज ऑफ टू थाउजेंड रुपीज राइट फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज करके लोगों को विमेंस के अकाउंट में पहले पैसे दिए गए सो दिस इज समथिंग द गवर्मेंट इज सिंग दैव द एवरेज कैलकुलेशन इज क्लोज टू टू थाउजेंड रुपीज़ एंड इन अ वेलकम मूव प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है जहाँ पे ऑलमोस्ट टारगेट की गई थी 800 मिलियन पीपल्स की जहाँ पे उनको फ्री राशनिंग दी जाएगी थ्रू पीडीएस जो हमारे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स हैं उनके थ्रू उनको फ्री राशन दी जाएगी एंड दिस हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल नवम्बर ट्वेंटी राइट एंड फर्दर दिस वो डिक्लेयर बाय द प्राइम मिनिस्टर हिमसेफ उन्होंने ये चीज़ों को डिक्लेयर किया है कि नवम्बर तक अभी तक सारे लोगों को मिलेगी राशन राइट right? और जो स्कीम्स हैं लाइक जनधन या पीएम किसान या पीएम उज्ज्वला जहाँ पे गैस सब्सिडी में गैस फ्री दी जाती है लोगों को तो यहाँ पे जो ट्रांसफर बेनिफिट्स हैं वो करीबन करीबन 532 बिलियन टू 452 मिलियन लोगों को बेनिफिट्स मिली है राइट अब बात करें सर्वे की तो द सर्वे के जो आउटकम है बेसिकली सर्वे की गई है प्राइवेट एजेंसी के थ्रू तो, तो उसके कुछ आउटकम है जो किल में भी डिस्कस है तो एक मल्टी राउंड सर्वे थी जहां पे 47,000 जो हाउस होल्ड है उनको कंसिडर किया गया दो हुवेयर बिलो द पॉवर्टी लाइन जो बी पी एल के लोग थे उनको फिफ्टीन स्ट्रेस में ये कंडक्ट की गई है राइट तो जो आउटकम आए हैं उससे पता चला है कि जो लॉन्ग लास्टिंग जो नेचर ऑफ द इकोनॉमिक शॉक वो काफ़ी हाई है और उसकी जो इंटेंसिटी है लॉकडाउन की उसके रेपरकर्शन काफ़ी ज्यादा हुए हैं सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी में अगर बात करें प्राइमरी जो इनकम अर्नर हैं उनकी जो टू थर्ड ऑफ द हाउस हैव लॉस्ट देअर जॉब कई लोगों की या तो जॉब चली गई है या कई लोगों की सैलरी कट हो चुकी है राइट एंड द एवरेज फैमिली राइट एंड दिस इज जस्ट दीपल आर मेकिंग फोर थाउजेंड रुपीज पर मंथ दिस इज एवरेज कैलकुलन की एक मिडिल क्लास फैमिली में फोर थाउजेंड के आसपास पर मंथ की uh, इनकम हो पा रही है राइट right? लो इनकम हाउस होल्ड ऑफ दप्लाईज के पास रिजर्व थी ऐसे होता है क्या? कि जो अपनी डेली लाइवलीहुड पर डिपेंडेंट है अपने काम परिपेंडेंट है प्रोसीड वेदर जो भी उनके रिक्वायरमेंट है तो वहां पर क्या वा? जो लो इनकम हाउस होल्ड है वो पैसे उनके खत्म हो चुके हैं रनिंग आउट ऑफ मनी राइट एंड फोर्टी परसेंट ऑफ फैमिली आर इन टैप्ट और कुछ फोर्टी परसेंट पीपल ऐसे हैं जो कि कर्ज में चल रहे हैं राइट right? नाउ एडवाटेजेस ऑफ अगर डिजिटलाइजेशन की बात की जाए कि किस तरह से ये एक पैनिशिया सेट हो सकती है एंड इट कैन बी अ बूस्ट फॉर द अपकमिंग गवर्नमेंट प्रोग्राम्स तो डिजिटलाइजेशन की बात करें तो इट कैन क्रिएट एफिशंसीज एंड इट कैन लेवरेज टू एक्सपेंड द वेलफेयर नेट तो जो हमारा जो दायरा है जो एक बेसिकली इस प्रोग्राम को जो अम्ब्रेला प्रोग्राम बनाने की कोशिश है एक हॉलिस्टिक प्रोग्राम बनाने की कोशिश है तो उसमें डिजिटलाइजेशन कैन बीस बेसिकली वुड बी अ कॉर्नर स्टोन राइट और बात करें इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जैम ट्रिनिटी जो जन आधार मोबाइलिटी की बात की गई थी उसको भी इंप्लीमेंट करना है लोअर ट्रांजेक्शन लेवल पे ताकि जो कॉस्ट रिड्यूस जो लीकेजेस है जो बेनिफिशियरी को जो एग्जैक्ट लिक्विडिटी चाहिए होगी वो उनको मिल पाए और आधार एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है इट कैन इवन प्रिवेंट द आइडेंटिटी फ्रॉड बिकॉज वॉट हैपन इन आधार यू गॉट यूर आई रिस स्कैन यू गोट योर फिंगर प्रिंट यू गेट सम थम्स थम एवरी थिंग इज देयर सो आधार इज कंपेरेटिवली मोर सेफर देन द अदर मेथड्स ऑफ नो प्राइवेसी इज कंसर्न The speed of which the Manrega payment has been done, it has to be made, the beneficiaries has improved more than threefold since 2015, right. So these are some of the benefits that is being provided. Now uh, talking about the pilot program that is One Nation, One rasankat So the project has shown the interest rate probability and the possibility. So this is something which has helped a lot these were some of the advantages of the digitalization of the scheme which government could take further and indeed this will help to get the beneficiaries the exact benefit what government is sending and this will ultimately leverage some of the leakages which is there in the uh, particular schemes now the second topic that is uh, nurturing the citizen in social studies this is in the hindu and this is written by hamid ansari he is the former vice president of india सो ही प्रिसाइजली टॉक अबाउट द सब्जेक्ट है ना आर द्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो हमारी मिनिस्ट्रीज हैं एम आच आर डी है उन्होंने बेसिकली क्या क्या है कुछ चैप्टर्स को रिड्यूस किया है उसके बारे में बात की गई है तो इंपॉर्टेंस की बात करें इस तरह के चैप्टर की तो ओपिनियन बेस्ड आपसे सवाल जनरल स्टडीज पेपर टू और थ्री में भी आ सकते हैं एंड एट द सेम टाइम अगर बात करें जनरल स्टडीज के पेपर फोर की तो केस स्टडी में भी कुछ इस तरह के आपको एक केस uh, स्टडीज में दिया जा सकता है तो ओपिनियन कैन बी आस्क फ्रॉम यू राइट तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हैं उन्होंने कुछ सर्टेन चैप्टर्स को एक्सक्लूड किया है एंड द टॉपिक्स आल्सो बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सोशल साइंस करिकुलम ठीक है जो हमारी करिकुलम है क्लास नाइन्थ की बेसिकली क्लास नाइन्थ एंड क्लास ट्वेल्व के करिकुलम से चीज़ों को रिड्यूस की गई है और जो ऑब्जेक्टिव बेसिकली uh, जो रिडक्शन है परसेंटेज वाइज अगर आप देखोगे तो थर्टी परसेंट की रिडक्शन की गई है क्योंकि जो बताए गए हैं जो कोर कॉन्सेप्ट हैं या फिर जो इर है उनको बिकॉज ऑफ कोविड ये किया क्यों किया है क्योंकि जो कोविड की वजह से वो डिस्टर्बशंस हो रही है जो एग्ज़ामिनेशन नहीं हो पा रहे हैं उनको लेकर के नाइनटीन के जो एकेडमिक ईयर है उसको देखते हुए ये सारे रिडक्शन की गई है बट इसमें कुछ और सवाल उठाए गए हैं कि जो जो रिडक्शंस हुई है चैप्टर्स की वो बहुत कोर एसेंस है बच्चों के समझने के लिए जानने के लिए राइट तो कुछ सेलियंट फीचर मैं आपको बताता हूँ करिकुलम uh, जो सी के द्वारा दी जाती है सो वॉट सीबीएसई इज डूइंग दे आर प्रोवाइडिंग इट्स ऑन द वेबसाइट दे हैव इंडिकेटेड सम समलियंट फीचर्स एंड द सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्कूलम फॉर क्लास इलेवेंथ एंड ट्वेल्व फॉर अकेडमिक्वेंटी ट्वेंटी करिकुलम स्ट्राइव टू प्रोवाइड एन एम्पल स्कोप फॉर फिजिकल इंटेलेक्चुअल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट सो दीज आर सम ऑफ द ऑफिशियल कोर्ट दैट इज कमिंग फ्रॉम द सी बी एस ई और जो करिकुलम है उसकी कोशिश है दैट इट स्ट्राइव टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू सच एज सोशलिज्म इसको बरकरार रखने के लिए जो हमारी सेकुलरिज्म है उसको बरकरार रखने के लिए जो डेमोक्रेसी है जो लोकतंत्र है उसको बनाए रखने के लिए जो रिपब्लिक जो हमारी रिपब्लिक कैरेक्टर है जो गणतंत्र की जो परिभाषा है उसको बरकरार रखने के लिए एंड जस्टिस लिबर्टी इक्वलिटी फर्टनिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल एंड इनफैक्ट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन बाई इंक्रेजिंग द वैल्यू बेस्ड लर्निंग सिस्टम बट इसमें जो क्रिटिक बताई गई है कि जो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जैसे चैप्टर ऑन सेक्युलरिज्म, द चैप्टर ऑन सिटीजनशिप हैज़ बिन रिमूव्ड तो एक्सपर्ट का बेसिकली जो काउंटर एक्सपर्ट्स है उनका कहना है कि ये सारे चैप्टर्स अगर बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो दे वुड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ द सेकुलरिजम इज वर्किंग इन द कंट्री व्हाट आर द कोर एसेंस ऑफ द सिटीजनशिप इन द कंट्री सो दिस इज समथिंग विच हैव टू बी इंक्लूडेड और कुछ और इरेलीवेंट चैप्टर थे जिनको हटाया जा सकता था राइट ना प्रमोटिंग पोलिटिकली कॉन्शियसनेस इन द स्टूडेंट सो फर्स्ट जो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है जो हमारा एक संविधान है जो हमारा लोकतंत्र है वहाँ पे ये बहुत ही ज़रूरी है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो अडल्ट फ्रेंचाइजी सरफराज का जो बेसिकली एक एसेंस रखा है वोटिंग को लेकर के उसको बेसिकली आपको पता है ट्वेंटी वन ईयर्स से एटीन ईयर्स कर दी गई थी एंड दिस वॉज डर इन दिक्सटी वंथ अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन एटी एट राइट सो ये की गई थी उस टाइम पर जो डिस्कशन हुई थी वो बात कही गई थी कि अभी जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो यंग कम्युनिटी है दे आर कैपेबल इनफ कि वो ट्वेंटी वन ईयर्स में नहीं अब वो एटीन ईयर्स में दे आर अवेयर ऑफ द पॉलिटिकल कॉन्शियस uh, ले रहे हैं दे आर मोर पॉलिटिकल कॉन्शियस तो इस वजह से 61 वन अमेंडमेंट में डिस्कशन के बाद 1988 में इसको घटा करके एटीन ईयर कर दिया गया था सो दिस पॉइंट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आपसे प्रिलम्स में इस तरह के स्टेटमेंट दिए जा सकते हैं एंड सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ की अगर बात करें तो वो है डेमोक्रेटिक आउटलुक एंड द कमिटमेंट टू लिबर्टी फ्रीडम इक्वालिटी एंड जस्टिस ये सारे जो वर्ड्स हैं इसको आप बहुत ही अच्छे से समझ लें ध्यानपूर्वक क्योंकि मेन्स में और प्रलम्स में दोनों जगह आपके काम आएगी Now, humanness and the fraternity spirit as was again one of the core essence, and ethics, and integrity, and in honesty. So these are some of the more uh, things which makes people more conscious politically. And when it comes to scientific temper and commitment to the rational and public dialogues. पीस सोशल एक्शंस थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स सो ये सारी चीज़ों की बात की गई थी ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन है उनके द्वारा जैसे कि आप डी पी एस पे पढ़ोगे वहाँ पे साइंटिफिक टेम्पर को इम्पार्ट करने की बात की गई है तो एवरी थिंग वॉज डर इन द कॉन्स्टिट्यूशन देवर इंबाइटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ताकि जो जो स्टूडेंट्स को जो बेनिफिट्स हैं वो मिल सके एंड दिस फोकस ऑन द नेक्स्ट जनरेशन टू रिक्वायर्ड गुड सिटीजन Who can turn to the educationally and the good governance? Who can promote in the good governance? Ultimately, when people, student are aware. This will ultimately help the educated people to govern the country in a fa good, fashionable manner. Right? Now, the third topic is from the Hindu, that is urban healthcare. Uh, this is the editorial page talking about the relevance of this article. This again can be important for your general studies paper 3. And you can use this type of folder point in your essay as well. तो में भी आपके लिए कई हद तक मदद हो सकती है नॉट द नोवल कोरोना वायरस पेंडेमिक हैज़ लार्जली बिन अर्बन क्राइसिस बोला गया है कि जो शहरों में बेसिकली जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है इधर इट इज़ डेली मुंबई चेन्नई जो ऐसे बड़े शहर हैं उनपे ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला है इधर कैलकाटा इज अ सिटी हैव अटी लार्जली है और जो इंडियन सिटीज़ है

कुछ स्मार्ट सिटीज मिशन की बात की गई और उनके स्टेटस के बारे में बताई गई है कि क्या स्टेटस है तो स्टार, जो स्मार्ट मिशन है स्मार्ट सिटीज़ मिशन है एक फ्लैगशिप प्रोग्राम थी यूनियन गवर्नमेंट की जिसमें जो कोशिश ये की गई थी कि हंड्रेड सिटीज़ को सेलेक्ट की जाएगी और उस उसको स्मार्ट तरीके से डेवलप किया जाएगा उसके प्रॉपर प्लान तरीके से उन सिटी को डेवलप की जाएगी राइट बट मेनी ऑफ द स्मार्ट प्रोजेक्ट वेयर अंडर मीन ऑफ देवर बिहाइंड अपने जो शेड्यूल्स हैं उससे काफ़ी पीछे हैं क्योंकि ये जो डेटा है हमारे पास वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर की है कि जो टोटल प्रोजेक्ट फाइव हंड्रेड थे स्मार्ट सिटी को लेकर के 100 सिटीज में राइट right? और बेसिकली उस प्रोजेक्ट में 47,000 फोर्टी सेवन थाउजेंड फोर्टी सेवन फोर थाउजेंड सेवन हंड्रेड जो प्रोजेक्ट हैं उनको ही अभी हैज बीन है तो ये इतने ही प्रोजेक्ट कम्पलीट हो पाए हैं इस टोटल प्रोजेक्ट में जो कि स्मार्ट सिटीज़ के लिए बनाया गया था हर सिटीज के लिए अलग अलग नंबर ऑफ प्रोजेक्ट डिसाइड किए गए हैं पूरे सह, जो हंड्रेड सिटीज हैं उसमें और इनफैक्ट अगर स्मार्ट सिटी मिशन की बात करूँ तो एक शॉर्ट शिफ्ट हुआ है जहाँ पर जो बेसिक सर्विसेज हैं जैसे पब्लिक हेल्थ हैं या फिर अर्बेनाइजेशन की बात करें इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर उन सारे चीज़ों को भी इसमें रखा गया था और फर्दर जो हमारी पब्लिक हेल्थ है वो बहुत ही एसेंशियल है इन टर्म्स ऑफ लोवर लोकल गवर्नेंस फंक्शनिंग इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम किसी भी स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास अम्यूनिटीज़ का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन uh, के ट्वेल्थ शेड्यूल को देखोगे तो वहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई थी 74 फोर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जहाँ पे जो पब्लिक हेल्थ है इट इज़ वन ऑफ द एटीन फंक्शन दैट वे टू बी डिजोल्व इन द म्यूनसिपैलिटीज तो म्यूनसिपैलिटीज के सेक्शन में इसको इंक्लूड किया गया ताकि जो अर्बन हेल्थ केयर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा किया जा सके उसको दुरुस्त किया जा सके राइट ना नीड फॉर द स्ट्रेंथ एंड लोकल कैपेसिटीज़ की बात की गई है तो कोविड नाइन्टीन का जो क्राइसिस है उसने एक्सपोज़ किया है वीकनेसेस को जो हमारे इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस है उसको और जो ह्यूमन कैपेसिटीज़ हैं इंडियन सिटीज़ में जो हमारी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के जो हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ है वर्कर हैं चाहे वो हॉस्पिटल के अम्यूनिटीज़ हो या चाहे वो मैन पावर की बात हो उसमें किस तरह के शॉर्टेज हैं उसको ध्यान देने की जरूरत है और उस पर काम करने की जरूरत है इवन द अर्बन लोकल बॉडीज़ कंटिन्यू टू बी द फिनशली एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली वीक तो यहाँ पे बेसिकली इन दो चीज़ों पे भी बहुत ज़्यादा और बेसिकली जो अंडर स्टाफ हैं उसको भी देखने की ज़रूरत है क्योंकि कई ऐसे हॉस्पिटल्स हैं कई ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं कई ऐसे बेसिकली या तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो दे आर हेवी अंडर स्टाफ तो जब लोग अंडर स्टाफ होंगे तो अपनी बेस्ट आउटकम नहीं दे पाएंगे राइट एंड देर इज अ हाई लेवल ऑफ वैकेंसी इन द एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटी जिसको आशा वर्कर कहते हैं तो आशा वर्कर में भी बहुत गैप है बहुत कमी है बहुत वैकेंसीज हैं सो गवर्नमेंट नीड टू फिल दिस ताकि जो हमारा का जो ग्रासरूट लेवल है आशा वर्कर ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग एट द ग्रास रूट लेवल एट द विलेज लेवल एट द पंचायत लेवल तो इनको बूस्ट करने से कहीं ना कहीं जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में

और जो एप्शंस ऑफ जो पार्टिसिपेशन है लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का बहुत सारे शहरों में इस वजह से चीज़ों को मॉनिटर नहीं किया जा पा रहा है केसेस को ट्रैक नहीं किया कर जा पा रहे हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ग्रास रूट लेवल पर जो काम करने वाले हैं उनको एम्पावर किया जाए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा मैन पावर में इंक्रीज किया जाए नाउ टू टैकल द कोविड नाइन्टीन क्राइसिस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्ट्रेंथन द लोकल गवर्नमेंट कैपेबिलिटीज़ जहाँ पे बेसिकली इन्वेस्ट करने की जरूरत है पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम्स में जो प्रोग्राम्स हैं उसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है और जो लाइवलीहुड है अर्बन वनरेबल कम्युनिटीज की उसको ध्यानपूर्वक करने की जरूरत है राइट सो दैट द लाइवलीहुड ऑफ दीज नंबर ऑफ पीपल्स कैन अल्टीमेटली बी ऑगमेंटेड एंड दे वुड बी दल्टीम जो अल्टीमेट बेनिफिशरी है वो यही लोग होंगे राइट ना वे फॉरवर्ड की बात करें तो दिस इज द टाइम टू इंट्रोड्यूस द नेशनल अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम जहाँ पे जॉब की मदद से लोगों को जो बेसिकली स्ट्रेंथनिंग की अगर बात करें उन अर्बन लोकल बॉडीज में या फिर उनके लाइवलीहुड में भी अगर बात करें तो अन्प्लॉयमेंट का रेशो जो है वो भी कम होगा और अल्टीमेटली जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर है जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं या जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें बेसिकली क्या होगा फिजिकल जो रिक्वायरमेंट है जो मैन पावर की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो पाएगी तो अगर केरला की बात करें तो केरला हैज़ बिन रनिंग द स्कीम फ्राम टू थाउजेंड टेन केरला एज ए फर्स्ट स्टेट जो इस तरह से सारे स्कीम्स को इम्प्लीमेंट कर रही है और जो दूसरे स्टेट्स जैसे ओडिशा है हिमाचल प्रदेश है इवन द झारखंड रिसेंटली लॉन्च द सिमिलर इनिशियटिव इन वेक ऑफ द कोविड नाइन्टीन क्राइसिस और इंडियन सिटीज में जरूरी है कि जो अनप्रसेंटेड चैलेंजेस हैं जो इम्पैक्ट हैं जो प्रायोरिटीज़ हैं हमारी अर्बन डेवलपमेंट की उसको ध्यान रखा जाए और जो इन्वेस्टमेंट है वो हेल्थ केयर और लाइवलीड ऑफ द रेजिडेंट में ज्यादा से ज़्यादा किया जा सके राइट सो दिस वुड बी द वे फॉरवर्ड मूविंग अहेड बेनिफिट फॉर पर्सन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक जजमेंट आई है बहुत छोटी सी जजमेंट है ये इंपॉर्टेंट इस वजह से क्योंकि आप इस तरह के जजमेंट है वो आप के पेपर में करके नोट कर सकते हो जीएस पेपर टू में एंड जो जनरल स्टडीज के पेपर फोर है जो एथिक्स का पेपर है उसमें भी आप इस चीज को यूज कर पाओगे तो सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया है कि जो पर्सन विध डिसिटी है राधर आई कॉल इट पर्सन हु एबल्ड बैकवर्ड वो सोशली बैकवर्ड के लिए एंटाइटल्ड है जो सेम बेनिफिट्स मिलती है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को और कैंडिडेट को इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन तो ये दो सेक्टर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आ, एसेंट दिया है अपने जजमेंट में राइट right? और एक अनमोल भंडारी केस है उसके बारे में आपको बता दूँ जो थ्री जज बेच थी उन्होंने 2012 में जो जजमेंट अभी जो रिसेंटली जो जजमेंट आई है उन्होंने कहा कि जो दिल्ली हाई कोर्ट की जो जजमेंट थी इन द अनमोल भंडारी आ, थ्रू इज़ फादर एंड द गार्जन वर्सेज दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी उसमें कहा था कि बैकिंग दी थी कि सफरिंग जो भी बच्चे सफ़र कर रहे हैं डिसेबल हैं जो डिफरेंटली एबल हैं जो उनको सोशली बैकवर्ड का स्टेटस मिलना चाहिए और उनको सेम बेनिफिट और इंटाइटलमेंट मिलनी चाहिए जो कि एस टी एस सी के कैंडिडेट या ट्राइब्स को मिलती हैं राइट सो दिस इज़ अ जजमेंट विच यू कैन नोट और आपको ये ध्यान रखना है अगर कई बार मेंस में रिजर्वेशन या डिफरेंटली एबल या जनरल स्टडीज पेपर थ्री में आपको इश्यूज रिलेटेड टू तो वनरेबल सोसाइटी माइनॉरिटीज़ के बारे में जब बात की जाए तो ये सेक्शन आप ये चीज़ को लिख सकते हैं वहाँ पर राइट एंड आई वुड लाइक टू टेल यू दैट वी हैव स्टार्टेड डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चैलेंज तो टेलीग्राम चैनल है डेडिकेटेड चैनल है आंसर राइटिंग के लिए हर दिन आपको यहाँ पे हर सुबह क्वेश्चन मिल जाएगी और आप अपने आंसर हमें सिक्स पी एम तक भेज सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है आप ज़्यादा जानकारी वहाँ से चेक कर सकते हैं नो कमिंग टू द आंसर ऑफ द क्वेश्चन येस्टरडे जो हमारे uh, सैटरडे के सवाल थे उसके आंसर में आपको बता दूं तो जो पहला क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर है सी दैट बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट मैंने यूपीआई से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा था तो यू पी आई कैन बी यूज टू ट्रांसफर मनी बाय लेटर प्रोवाइडिंग कमिटमेंट टू द प्रेजेंट एंड कस्टमर कैन प्री ऑथोराइज ट्रांजेक्शन एंड पे ऑन डर लेटर दैट और उसके बाद बात करें इन एडिशन तो सेविंग अकाउंट ऑफ द कस्टमर कैन बी लिंक टू द ओवरड्राफ्ट अकाउंट और यूपीआई में कस्टमर विल एबल टू ट्रांजेक्ट इंस्टेंटली और जितने भी बेनिफिट्स हैं ओवर ड्राफ्ट सेट बी एवेलेबल टू द यूजर्स और जो यू पी आई टू पॉइंट ओ है दैट सर्व एज एन एडिशनल डिजिटल चैनल टू एक्सेस द ओवर ड्राफ्ट अकाउंट इसके एक्सप्लेनेशन मैंने हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज पेपर से लिए हैं ना कमिंग टू द क्वेश्चन टू द आंसर करेक्ट है इज सी दैट द स्टेटमेंट वन एंड टू इज करेक्ट यहाँ पे प्रेसिडेंट के बारे में पूछी गई थी तो प्रसिडेंट कैन नॉमिनेट टू मेंबर्स ऑफ द लोकसभा फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी एंड मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियमेंट ओनली विदायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट सो दिस एक्सप्लेनेशन इज दर फ्रॉम द एम लक्ष्मी पॉलिटिक्स ना मूविंग टू द टू डेज एम सी क्यू क्वेश्चन तो जो पहला सवाल है वो कल्चर से आपको बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं द इमेजेस ऑफ द गॉडेंस आर यूज़ुअली फाउंड इन द एंट्रेंस ऑफ द गर्भगृह इन द्रविडिन टेम्पल और जो द्वा है यूज़ुअली फाउंड इन द गेटवेज ऑफ द गुप्रम ऑफ द नागराज टेम्पल सो विच मंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट ए बी सी या फिर डी तो आप अपने हमें करेक्ट आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं जो सेकेंड क्वेश्चन है वो इकोनमी से है विध रेफरेंस टू इंटरक्रेडिटेड एग्रीमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट सशक्त plan to address the problem of solving bad loans and it aimed to resolve the loan for minimizing amount of hundred crores so is my correct answer kaun se a b c and d so whatever you feel is the correct answer you can write your answer in the comments down below and do participate write your answer in the comment sections and we have launched mock test series total 25 mock tests is there this is helpful for you to get to the real examination right so there are 25 tests in the mock test